हेलो, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। इसके पहले वाली कक्षा में मैंने आप लोगों को वर्ण के बारे में बताया था, वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्ण की रचना के बारे में बताया था। आज मैं उन्हीं वर्णों से शब्दों का किस प्रकार से निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी भाषा को विस्तृत यानी विकसित बनाने के लिए उसमें प्रयुक्त अक्षरों की, वर्णों की, उससे निर्मित शब्दों की और फिर वाक्यों की जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम लोग संस्कृत भाषा के शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये नीचे लिखे गए जो अक्षर हैं, ये वर्ण हैं, और इन्हीं वर्णों को आपस में जोड़ करके जब हम शब्द बनाएंगे तो वो शब्द कहलाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि प, प हलंत, अ, न हलंत, अ, घ हलंत, अ, ट हलंत जोड़ विसर्ग, यानी कि प हलंत जोड़ अ आपका हुआ प, न हलंत अ न, घ हलंत अ घ, और ट में विसर्ग है तो ट, पन घट शब्द बने। तो यहां पर हमने इतनी सारी वर्णों को जोड़ा, पनघट शब्द बना। पनघटा, पनघटा का मतलब होता है पानी, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में पानी हो और वहां पे लोग पानी भरने के लिए जाएं, उसे कहते हैं पनघटा। दूसरा वाक्य, दूसरा देखेंगे उदाहरण आप, तो क हलंत जुड़ अ यानी कि क, म हलंत अ म, ल हलंत अ ल, और म में हलंत है तो आपका शब्द बना कमलम। जब हम शब्द की बात करते हैं तो वहां पे दो तरह की चीजें आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक जगह हम लोग अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनाते हैं, तो अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनाने की जो क्रिया होती है उसे वर्ण संयोजन या सम्मेलन कहते हैं। इसमें वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है। दूसरी ओर इन शब्दों से जब हम वर्णों को अलग करेंगे तो इस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं, यानी कि इसमें शब्द से वर्ण अलग होते हैं। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले वर्ण संयोजन और उसके बाद वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में बहुत सारे बच्चों को वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद में परेशानी आती हैं, खास तौर से जब संयुक्ताक्षर रहते हैं या फिर पंचमाक्षर का प्रयोग होता है तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हीं बच्चों की समस्याओं को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो उन सभी बच्चों की परेशानियों को दूर करने के लिए बनाया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण संयोजन या सम्मेलन में वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि क और मूर्धन्य श, क हलंत और मूर्धन्य श जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई जोड़ य हलंत जोड़ विसर्ग। अब आप यहाँ देखेंगे कि क हलंत में और श हलंत मिल करके छ बनता है, और जब इसमें अ जोड़ा गया तो ये पूरा छ हुआ। अगर क में श जोड़ेंगे ये तो छ होगा, इसमें हलंत रहेगा, लेकिन इसके बाद अ आ गया है तो ये पूरा छ हो गया। अब यहाँ त में र जोड़ेंगे तो ये त्र हो गया, और त्र के बाद ई की मात्रा आई है तो ये ई की मात्रा इस पर हो गई, और अंत में आप देखेंगे कि यह हलंत के बाद विसर्ग है तो यह के बाद जब हम विसर्ग देंगे तो ये शब्द बनेगा क्षत्रिय।
उसी प्रकार से दूसरा शब्द दूसरा उदाहरण है प हलंत जोड़ आ। यहाँ आप देखेंगे कि प में जब आ को जोड़ेंगे तो पा होगा, ट हलंत अ ट होगा, ल हलंत जोड़ अ ल होगा, और अंत में म हलंत। तो ये हमारा शब्द बना पाटलम। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे कि क हलंत जोड़ अ है, तो ये आपका हुआ क हलंत जोड़ अ है तो ये हुआ क। अब यहाँ देखेंगे र है और त त संयुक्त है, त त संयुक्त का मतलब हुआ त है, और र जो है ये इसके बाद कोई स्वर नहीं है, यानी कि ये र जो है अपने बाद वाले व्यंजन पर रिफ के रूप में हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे है व, तो ये व जो है आधा हो जाएगा, और ये य के बाद विसर्ग है, यानी कि हमारा शब्द बना कर्तव्य। इसे एक बार फिर से देख लेंगे, क के क हलंत के बाद अ है और इसके बाद र हलंत है। जैसा कि आपको पता है कि र जब आधा हो और उसके बाद अगर कोई पूरा व्यंजन आए तो र जो है अपने बाद वाले व्यंजन पर रिफ के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि र के बाद पूरा व्यंजन ना आकर के यहाँ पर व्यंजन द्वित है, यानी कि समान व्यंजन आपस में, दो समान व्यंजन आपस में यहाँ जुट रहे हैं, व्यंजन द्वित है, इस कारण यहाँ पे त संयुक्त हुआ और उसके ऊपर ये र जो है रेफ के रूप में हुआ, और उसके बाद हम ये व लिखेंगे, हलंत के रूप में है इसलिए आधा, यह पर हम विसर्ग देंगे, ये शब्द बनेगा कर्तव्य। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अंतिम जो उदाहरण है हमारा वो है कि ग हलंत जोड़ उ, जब ग में उ को हम जोड़ेंगे तो गु होगा। अब यहाँ देखेंगे कि इया है, चूंकि इया जो है च वर्ग का पांचवा अक्षर है और इसके बाद ज आया है, जो है च वर्ग का पंचमा अक्षर है और उसके बाद च वर्ग का तीसरा अक्षर च छ ज आया है, और उसके बाद ई है और त हलंत है और उसके बाद अ है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये ञ जो है पंचमा अक्षर है और यहाँ गु है, तो ये पंचमा अक्षर जो है अपने पहले वाली व्यंजन पर अनुस्वार के रूप में होगा, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं गुंजितः, या फिर आजकल जो हमारे नए शोधकर्ता हैं उन्होंने पंचमाक्षर को लिखना शुरू कर दिया, अनुस्वार की जो परंपरा है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं गुंजितः। फिर से इसे एक बार देखेंगे, ग में उ की मात्रा है, ग हलंत उ यानी गु, और ये पंचमा अक्षर है, तो अगर हम इसे अनुस्वार के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये अपने पहले वाली अक्षर पर अनुस्वार के रूप में हो जाएगा, और अगर हम आधुनिक पद्धति जो है लिखन पद्धति, अगर उस अनुसार हम पंचमा अक्षर को दर्शाना चाहेंगे तो फिर ये पंचमा अक्षर जो है ज के साथ संयुक्त हो जाएगा और उसके बाद ह्रस्व ई की मात्रा होगी और तब अंत में त होगा गुंजित। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने वर्ण संयोजन सीखा। अब हम वर्ण विच्छेद सीखेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, कक्षा निर्गुण विपदा नक्षत्र, तो इन शब्दों से हम वर्णों को अलग करेंगे, यानी कि वर्णों को पृथक करेंगे। तो आप देखेंगे कि क हलंत जोड़ अ, और यहाँ पे चूंकि कटाक्ष है क्षत्रिय वाला अक्षर है, तो आपको पता है कि इसकी रचना दो वर्णों के मेल से हुई है, यानी क हलंत जोड़ श हलंत मिल करके कटाक्ष बनता है और इसमें आ की मात्रा लिखी हुई है, इसलिए कक्षा शब्द का वर्ण विच्छेद होगा
कहलंत जुड़ अ जुड़ सहलंत कहलंत जुड़ अ जुड़ कहलंत जुड़ सहलंत जुड़ आ। इस प्रकार से ये शब्द बना कक्षा। दूसरा उदाहरण है निर्गुणः। अब आप यहाँ देखेंगे निर्गुणः, तो सबसे पहले आप लिखेंगे न हलंत जोड़ ई और उसके बाद उच्चारण में निर र का उच्चारण आ रहा है, यानी र हलंत जोड़ ग जोड़ उ जोड़ न हलंत जोड़ विसर्ग। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि न हलंत के बाद ई आई है, यानी कि ये नी। उसके बाद जो र है वो आधा है, इसके बाद कोई व्यंजन नहीं है, तो कहने का मतलब कि इस वाले व्यंजन पर ये रिफ के रूप में हो जाएगा, यानी निर्गुण। न हलंत जोड़ ई और ग हलंत जोड़ उ गु पर ये बिना स्वर का जो र है, स्वर रहित र है, वो रिफ के रूप में अपने बाद वाले व्यंजन पर होगा, और उसके बाद ट वाला न है, टवर्गी न है, और उसके बाद विसर्ग है, तो उसे आपस में जोड़ेंगी तो हमारा शब्द बनेगा निर्गुण। अगला उदाहरण है विपदा। विपदा को देखेंगे व हलंत जोड़ ई जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ द हलंत जोड़ अ आ और उसके बाद विसर्ग है, विपदा। व हलंत जोड़ ई जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ द हलंत जोड़ आ और तब उसके बाद विसर्ग है, यानी विपदा। अगला उदाहरण है नक्षत्र। नक्षत्र को हम करेंगे तो ये होगा न हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, यानी कि नक्षत्र। आप देखेंगे न हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ, ये न हलंत मिल करके न बना, क हलंत श हलंत मिल के कटाक्ष बना, त हलंत और र मिल के त्र बना और ये विसर्ग हुआ नक्षत्र। तो इस प्रकार से हम लोग इन उदाहरणों के माध्यम से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन हम लोगों ने आज सीखा। वर्ण विच्छेद को वर्ण विन्यास भी कहा जाता है, वर्ण संयोजन को सम्मिलन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए या आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह का टॉपिक हो तो आप इस प्रश्न को हल करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगली कक्षा में मैं आपको पंचमाक्षर का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के साथ किस प्रकार से होता है इस पर बताऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।